आज हम क्लास 12th बुक वितान चैप्टर 3rd जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? सिंधु सभ्यता के नगर नियोजित था, यहाँ की खुदाई में मिले कांसे के बर्तन, चाक पर बने मिट्टी के बर्तन, उन पर की गई चित्रकारी, चौपड़ की गोटियाँ, कंगी, तांबे का दर्पण, मनके के हार, सोने के आभूषण आदि ये सिद्ध करते हैं कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। उनके भंडार हमेशा अनाज से भरे रहते थे। साधन संपन्न होने के बावजूद इस सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं था, न ही वहाँ कोई भव्य प्रसाद, न ही कोई मंदिर, राजा का मुकुट, नाव, मकान और कमरे भी छोटे थे। इसलिए ये कहना सर्वथा उचित है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। यानी इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी लेकिन उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। सिंधु सभ्यता का जो नगर है वो व्यवस्थित तरीके से बसे हुए थे, वहाँ पर कांसे के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं और उन पर सुंदर सुंदर चित्रकारी की हुई है, चौपड़ की होटियाँ, जो खेलने का एक चौपड़े गेम होता है वो होटियों से खेला जाता है, बाल सवाने के लिए कंगी, चेहरा देखने के लिए दर्पण यानी कांच, और गले में पहनने के लिए मोतियों की माला, सोने के आभूषण, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये सभ्यता साधन संपन्न थी। क्योंकि अगर साधन संपन्न नहीं होती तो ये हार है, कंगी है, दर्पण है, चित्रकारी है, चौपड़ है कि गोटियाँ, ये सारी वहाँ पर नहीं मिलते। जो साधन संपन्न होते थे उनके पास ये सामान मिलता था और उनके भंडार हमेशा अनाज से भरे रहते थे। अगर वो साधन संपन्न नहीं होते तो इतना अनाज उनके पास कैसे रहता। वहाँ पे न तो कोई बड़ा प्रसाद यानी महल, ना कोई मंदिर था और ना कोई राजा का मुकुट मिला है, ना कोई नाव, ना कोई मकान, और कमरे भी छोटे छोटे थे। ये कहना बिल्कुल उचित है कि सिंधु जो सभ्यता है वो साधन संपन्न थी और उसमें भव्यता का कोई आडंबर नहीं था। यानी हर एक बात, प्रत्येक बात हकीकत में, असलियत में थी, वहां पर कोई दिखावा नहीं था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है? उस काल के मनुष्यों की दैनिक प्रयोगों की वस्तुओं को देख कर ये प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग कला प्रिय थे। वहाँ पर धातु तथा मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, मुहरे, आभूषण, खिलौने, तांबे के बर्तन तथा सुगढ़ लिपि भी प्राप्त हुई है। यहाँ भव्य मंदिर स्मारकों के कोई अवशेष नहीं मिले। ऐसा कोई चित्र या मूर्ति प्राप्त नहीं हुई जिससे पता चले कि ये लोग प्रभुत्व तथा आडंबर प्रिय हो। इसलिए यह कहना उचित होगा कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो खूब सुंदर थी लेकिन वो ना तो कोई राजा से संबंधित थी और ना कोई धर्म से। सिंधु घाटी सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं कला प्रिय थे, और क्योंकि वहाँ पे धातु की, मिट्टी की अनेकों मूर्तियाँ मिली है, घास, पशु पक्षियों की छवि, मोहरे, आभूषण, खिलौने, तांबे के बर्तन और अच्छी तरह से लिखी हुई लिपि भी प्राप्त हुई है। वहाँ पे भव्य मंदिर और स्मारकों का कोई अवशेष नहीं है, यानी वहाँ पर ना तो कोई सुंदर मंदिर थे और ना कोई स्मारक। ऐसा कोई चित्र या मूर्ति भी नहीं है जिससे हम ये पता लगा सके कि वहाँ कोई आडंबर था, कोई दिखावा था। इसलिए हम कह सकते हैं सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो सौंदर्य बोध या राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी। यानी उसमें किसी का भी अड़चन या नहीं था, वहाँ लोग है तो समाज है, अपने हिसाब से सारा कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समस्या अनुशासित सभ्यता थी? यानी पुरातत्व के जो चिन्ह मिले हैं उनको देखकर अपन कैसे समझ सकते हैं कि वो ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित थी, यानी समझ से ज्यादा काम लिया जाता था।
मोहनजोदड़ो के अजायब घर में जिन वस्तुओं तथा कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है उनमें औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक संपूर्ण सिंधु सभ्यता में किसी भी जगह हथियार के अवशेष नहीं मिले। इसे पता चलता है कि वहां कोई राजतंत्र नहीं था, इस सभ्यता में सत्ता का कोई केंद्र नहीं था, यह सभ्यता स्वतः अनुशासन थी, ताकत के बल पर नहीं। यहाँ के लोग अपनी सोच और समझ के अनुसार ही अनुशासित थे। यानी खुदाई जब की गई तो मोहनजोदड़ो में जो वस्तुएं मिली है, कलाकृतियां मिलती है, उनमें हथियार नहीं मिले। अगर वहां पर किसी विशेष व्यक्ति का, राजा का, आधिपति होता तो हथियार भी मिलते, लेकिन वहां सिंधु सभ्यता वहां कोई राजतंत्र नहीं था। अगर राजतंत्र होता तो वो एक राजा दूसरे राजा को जीतने के लिए हथियारों का प्रयोग करता, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वहाँ के लोग अपने आप में ही अनुशासित थे, उनको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि पुरातत्व चिन्हों के आधार पर सिंधु सभ्यता ताकत से न होकर वो अपने आप से ही अनुशासित सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय, यानी इसमें लेखक क्या पूछना चाहता है। पुरातत्ववेत्ताओं का विचार है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली टूटी फूटी सीढ़ियों पर पैर रखकर हम किसी छत पर नहीं पहुंच सकते, परंतु जब हम इन सीढ़ियों पर पैर रखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमारी सभ्यता उस समय सुसंस्कृत तथा उन्नत सभ्यता थी, जबकि शेष संसार में उन्नति या सूरज अभी उगा भी नहीं था। हम इतिहास के पार देखते हैं कि इस सभ्यता के विकास में एक लंबा समय लगा होगा। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की शिरोमणि सभ्यता थी। यानी जब मोहनजोदड़ो की पुरातत्ववेत्ताओं ने यह बताया है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता है वो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, वहाँ पे जब खुदाई की गई तो टूटी फूटी हुई सीढ़ियाँ मिली, तो वो ये कहना चाहते हैं कि वो सीढ़ियाँ टूट चुकी है तो उन पे पैर रख करके हम कोई छत पे तो नहीं चढ़ सकते, लेकिन उन पे पैर रखते हैं तो हमें गर्व होता है कि देखो हमारी सभ्यता कितनी सुसंस्कृत थी, उन्नत थी, जबकि संसार में अन्य जगह अभी तक ऐसी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता है वो संसार की सबसे ऊंची बढ़िया सुंदर सभ्यता है। अगला क्वेश्चन, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धरती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी जो कथन पूछा है इसका पूरा भाव बताना है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के टूटे फूटे खंडहरों को देखने से हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों की सभ्यता कितनी विकसित तथा साधन संपन्न थी। ये खंडहर हमें सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराते हैं। हमारे मन में इन खंडहरों को देखकर धारणा बनती है कि यहाँ हजारों साल पहले कितनी चहल पहल रही होगी और लोगों के मन में कितनी सुख शांति रही होगी, काश हम भी उनके पदचिन्हों का अनुसरण कर पाते। ये खंडहर हमारी प्राचीन सभ्यता के प्रमाण है जिन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो वहाँ पे टूटे फूटे खंडहर देखने को मिले, तो हमें ये अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ कि देखो हमारी जो ये सभ्यता है वो कितनी साधन संपन्न थी, विकसित है, कि यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं, श्रृंगार के साधन मिले हैं। इन खंडहरों में सिंधु घाटी की सभ्यता और संस्कृति दोनों का परिचय हमें मिलता है। तो देखो इन खंडहरों को देख के हमारे मन में ये होता है कि हजारों साल पहले यहाँ पर कितनी चहल पहल रही होगी, क्योंकि चौपड़पा से जो खेलते थे वो भी यहाँ पे मिले हैं, लोगों के मन में सुख शांति रही होगी, लोग है वो खुद स्व अनुशासित थे, किसी कोई राजा का वहाँ पे शासन नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो के जो खंडहर है
वो हमारी प्राचीन सभ्यता के प्रमाण है जिनको हम भुला नहीं सकते। अगला इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नजदीक से देखा हो का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी इससे ये पूछा गया है कि इस पाठ में अनेक ऐसे स्थान आए हैं जिनको लोगों ने देखा नहीं, लेकिन अगर आपने कोई ऐतिहासिक स्थल देखा है तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ जो मैंने देखा। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर शहर में बैजनाथ का शिव मंदिर है। स्थापत्य कला में ये बेजोड़ मंदिर है। इसका निर्माण 1204 ईस्वी में अहूप तथा मन्युक नामक के दो व्यापारियों ने करवाया था। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडु ने आरंभ करवाया था, परंतु वे उसे पूरा न करवा सके। अतः आगे चलकर व्यापारियों ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे देखकर इसका आभास हो जाता है। इसकी दीवारों पर देवी देवताओं की नक्काशी की गई है। मंदिर की भीतरी दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। मंदिर के द्वार के आगे नंदी बेल की विशाल काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर के चारों ओर सुंदर प्रांगण है और उसमें भी देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। पत्थर पर किए गए काम का ये बेजोड़ नमूना है। पांडवकालीन इतिहास का ये गवाह है। यानी इन चित्रों को, मंदिरों पर जो नक्काशी है, देवी देवताओं के चित्र है, उनको देख करके और जो नंदी का काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई, उनको देख के पता लगा सकते हैं कि ये कला का यहाँ पे बहुत ही बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है और पांडवकालीन इतिहास का भी ये गवाह बनता है। अगला क्वेश्चन, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, तर्क दें। यानी इसमें ये पूछा है कि वहाँ पे जो नदी है, कुएं हैं, स्नानागार है, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं क्या? इसमें लेखक के पक्ष और विपक्ष में अपन को तर्क देना है। हमारा जवाब इसके पक्ष में है। इस नगर में अब जो देखने को बचा है वह जल व्यवस्था ही है। ऐसी जल व्यवस्था जो स्वयं में अद्भुत है। आज के समय में जब हम स्वयं को आधुनिक कहते हैं, ऐसी जल व्यवस्था प्रणाली देखने को नहीं मिलती है। आज चारों तरफ पानी की कमी देखने को मिलती है। ऐसे में सिंधु सभ्यता के अंदर हमें बड़ा सामूहिक स्नानागार मिलता है। एक ही पंक्ति में 8 स्नानागार हैं। प्रत्येक घर के अपने स्नानघर हैं। पक्की ईंटों की नालियां हैं जिसे पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता रहा है। बड़े बड़े कुएं वहां पर विद्यमान है जिससे नगर में पानी की व्यवस्था की जाती है। इसलिए इसे जल संस्कृति कहना गलत नहीं होगा। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता में हमें अवशेष मिले हैं, बड़े बड़े स्नानागार, पानी की अच्छी व्यवस्था, उनको देख के अपन कह सकते हैं कि आज हमारे यहाँ पानी की समस्या है। लोगों के पानी इकट्ठा करने के लिए कोई साधन नहीं बने हुए, लेकिन उस समय बड़े बड़े स्नानागार थे और पानी को उसमें इकट्ठा किया जाता था, तो उसमें की व्यवस्था को जल संस्कृति भी अपन कह सकते हैं। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई है। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है, क्या आपके मन में इससे कोई विभिन्न धारणा या भाव भी पैदा होता है? इन संभावनाओं पर कक्षा में समूह चर्चा करें। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, जो टूटे फूटे अवशेष मिले हैं उनके आधार पर ही धारणा बनाई है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त है, तो अपने मन में विभिन्न धारणाएं या भाव पैदा होते हैं, इन सबको क्लास में बैठ करके बच्चों के साथ सामूहिक चर्चा करनी है। तो मैंने मेरे विचार इसमें जो लिखे हैं वो इस प्रकार है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें लिखित प्रमाण नहीं मिला, हमें केवल अवशेषों के आधार पर अवधारणा बनानी पड़ी है जो कि तथ्यहीन नहीं है। खुदाई के दौरान सुगढ़ लिपि मिली है जिसे भली प्रकार से समझा नहीं जा सकता। फिर भी अवशेषों के आधार पर व्यक्त की गई धारणा से
हम असहमत नहीं है। निश्चय ही यह संस्कृति अब तक की प्राचीन समृद्ध संस्कृति है जो आज की मानव सभ्यता के लिए दिग्दर्शक बनी हुई है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, क्योंकि लिखित प्रमाण तो नहीं है लेकिन अवशेषों के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि उस समय की जो सभ्यता थी बहुत समृद्ध थी, बहुत अच्छी थी। तो आज मानव सभ्यता के लिए ये एक दिग्दर्शन यानी मार्गदर्शन का कार्य करती है। धन्यवाद।